नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला करने वाले चार युवकों को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां अब चार युवकों को पुलिस सहारनपुर लेकर आई, वहीं आरोपियों से पूछताछ के बाद ही इस पूरे मामले का पता लगेगा। देखिए रिपोर्ट। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पर हमला करने वाले चार आरोपियों को सहारनपुर पुलिस ने अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चारों युवक अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे। इसकी सूचना सहारनपुर पुलिस को मिल गई, जिसके बाद सहारनपुर पुलिस टीम ने चारों को अंबाला से गिरफ्तार कर लिया। अब चारों गिरफ्तार आरोपियों को सहारनपुर लाया जा रहा है। पूछताछ के बाद ही इस मामले में एसएसपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी देंगे। बता दें कि बीते दिनों बुधवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हमला किया था, जिसमें एक गोली चंद्रशेखर के पेट को छूकर निकल गई थी। पुलिस ने इस मामले में चंद्रशेखर के भाई की तरफ से अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए 5 टीमें लगाई गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हरियाणा के अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं, जिसके बाद एसएसपी ने अंबाला कोर्ट के बाहर सिविल वर्दी में पुलिस को लगा दिया था। शनिवार को सुबह जब वो सरेंडर करने कोर्ट में जा रहे थे तो चारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम लविश, आकाश और पोपट है। वहीं ये तीनों युवक रड़खड़ी गांव के रहने वाले हैं। वहीं एक युवक हरियाणा के करनाल के गोधर गांव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे चार युवकों में जो लविश नाम का युवक है, उसी लविश ने उत्तराखंड के किसी जेलर पर भी गोली चलाई थी। वो 15 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। जमानत पर बाहर आने के बाद ही लविश और उसके साथियों ने चंद्रशेखर पर हमला किया। हरियाणा से लाते समय पुलिस ने चारों युवकों से कार में भी पूछताछ की। चारों आरोपियों ने हमला करने की बात स्वीकारी है और चारों युवकों का कहना है कि वो मीडिया में फेमस होना चाहते थे, इसीलिए घटना को अंजाम दिया। जहां आरोपियों का साफ कहना है कि मीडिया में फेमस होने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस आगे की जांच गहराई से कर रही है, क्योंकि आरोपियों का बयान पुलिस को गुमराह करने की एक चाल भी हो सकती है। बहरहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है तो जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।